तो जो कि मैंने थारता अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि आरपी का 27 तारीख ने एक गाना देखने मिला का, वो गाना आ लिया है और यह वीडियो उससे गाने की रिव्यू वीडियो है। तो अभी थोड़ी गाने की डिटेल के बारे में जानना है। तो गाने का टाइटल था इफ यू नो यू नो, मतलब हमने बेरा है तो हमने बेरा है। और जब म्यूजिक की बात करा तो म्यूजिक दे रखा है विश ने, और आरपी के ज्यादातर गाने में विश का ही म्यूजिक देखने मिला है। और इस बार भी म्यूजिक के मामले में विश ने लटसाए गाड़ रखा है। डायरेक्टर और वीडियो एडिटर उनाला है लक्की, और लक्की ने वीडियो में बहुत बढ़िया काम कर रखा है। जिसा स्ट्रगल गाना में दिखा रखा है वीडियो में बिल्कुल उन्ने शब्दा के हिसाब से शूटिंग कर रखी है। लोकेशन भी बिल्कुल उसी उठा रखी है जिस गाने में जिक्र हो रहा है। अखेले की करा पन्नी करा मैं तारी आई बंड जा मैं टिब्या मन सिब्बा मैं लचारी आई बंड। तो गाने की शुरुआत टीआरपी अपनी किस्मत और जड़ा वो जाम्या उस जगह की बात कर रहा है, और उस जगह तो उठ कड़े आज वो पहुंच गया इसके बारे में बताओ है। आर्मी का रखे यारी आई बंड मखा प्यार नाम आली नब मारी। फिर अपने यारा के बारे में थोड़ा बहुत बतावा है, और फिर बतावा है कि कदे प्यार प्यूर के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। मेरी पिता के माविश तने दिखेगा जरूर पर दूध पी के सिख्या को ने डसना। जिस तरह आरपी के विश का म्यूजिक यूज कर रखा है इस लाइन में, और जिस तरह उसका मतलब निकाल रखा है मेरी बिट्टा में जरूर विश है लेकिन मैंने कदे दूध पी के डसया को नहीं। इस लाइन का अगर मतलब निकालूं तो कुछ नू निकला है कि मैंने उस बंदे का कदे साथ खून छोड़ा जिसने मेरा साथ दिया। और इस तरह आरपी की लाइन का गाना गहरा गहरा मतलब बनाया करा, लेकिन इस बार इस गाने में इतने ज्यादा डीप मीनिंग नहीं है किसी भी शब्द का। फिर आरपी बतावा कि जिनने बेरा उनने बेरा मैं सांप के सपेरा मेरा चेहरा देख थम मने जज ना करो, मतलब उन लोगों तक है कि थम मने जज ना करो मेरे चेहरे देख के थम जानो हो तो ये मने जानो हो नहीं जानते तो किसी और की बात ना मा कर मन जज ना करो। लंबा सफर से रास्ते ती रोटी बांधे बैठा हूँ मैं फुकरिया के खातर लंगोटी बांधे बैठा हूँ मैं रिप्रेजेंट करूँ माटी हरियाणे वाली कुर्ते के नीचे जबे धोती बांधे बैठा। और फिर आरपी अपने कंपटीशन ने बतावा कि बे मैंने बहुत लंबा जाना है इस खातर मैं रोटी बांधे बैठा हूँ और हरियाणा की माटी ने रिप्रेजेंट करूँ हूँ इससे कारण थे मैं कुर्ते के नीचे धोती बांधे बैठा हूँ। कुछ इस तरह की लाइन देखे अपने कंपटीशन ने बतावा है। मैं भाई मानू मन कंपटीशन ये मन करे मेरी डाला लिख के ने फिर आरपी अपने हेटर्स तक ही रिप्लाई भी दे है। और इस लाइन में आरपी बताओ है कि मैं इन्हें भाई समझू हूँ और ये मैंने कंपटीशन समझे हैं, ये मेरे वर्गा लिख के मेरे की डाल गाने की ट्राई भी करे है लेकिन पौंदा को नहीं। और गाने के लास्ट में आरपी कुछ ऐसा कहा है कि जिन सिस्टम रोकने की ट्राई करे है ना वे बंदे सिस्टम ने मोदा मारते हैं। और जिन्हें सिस्टम रोक रहा है आगे आने तक वो मार सके सिस्टम ने मोदा भी भरो। और सही बताऊं तो पूरे गाने की एक फेवरेट लाइन मेरी यह है कि इसमें सिस्टम में मोदा मारने की बात करे है आरपी। और जिस टाइम सिस्टम मोदा मार दूंगा उस टाइम पे लक्की ने भी वीडियो में बहुत बढ़िया काम कर रखा है, उस टाइम वीडियो भी मोदी मर जाए है। इस जगह पे लक्की ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है वीडियो एडिटिंग में। यह ट्रांजैक्शन मैंने पूरी वीडियो में एक नंबर की ट्रांजैक्शन लगी। अगर ओवरऑल वीडियो की बात करूं तो भाई ने अपना स्ट्रगल दिखा रखा है कि कड़े धरती पर जन्म लिया था टिब्बे वाली पे और आज मैं कड़े पहुंच गया और जो कुछ भी हूं मेरे यारा के दम पे हूं कुछ इस तरह की लाइन बता रखी है। और जब जब मैंने सिस्टम रोकेगा उस टाइम पे मैं सिस्टम ने मोदा मार दूंगा कुछ इस तरह की बात भी इस गाने में कही गई थी। ओवरऑल बताऊं तो गाना बहुत बढ़िया था। वीडियो में मैं लक्की ने 5 स्टार देना चाहूंगा 5 मत है। म्यूजिक में विश ने मैं 5 मत है 5 पॉइंट दूंगा और आरपी ने मैं 5 मत है 4 स्टार दूंगा क्योंकि जो चीज मैं गाने में देखना आया था मनोवा चीजें नहीं मिली और ना इतने ज्यादा इस बार डीप वर्ड थे जो अगर डीप वर्ड होंगे तो गाने में और भी स्वाद आंदा। जिस तरह आरपी शब्दा का खेल खेलिया करे जिस तरह मकोका या हाथी सॉन्ग में खेल रखा है उस तरह इस बार भी कर रखा होता तो और भी स्वाद आंदा। बस इसमें एक कमी रह गई वह भी आरपी सिंह की तरफ से। अगर इस गाने में आरपी का एक रैप वाला वर्स होता ना तो स्वाद आ जाते मतलब पूरे हो जाते इस गाने के। यो गाना कल 10 बजे ही आया था और जब तक यो गाना मेरी प्लेलिस्ट में रिपीट पे चलने लग रहा है। उसके बाद मैंने यार रिव्यू और ब्रेकडाउन वीडियो बनाई है तो थम बताओ थमने यह वीडियो किसी लगी। अगर चैनल का 90वां सब्सक्राइबर बनना है तो चैनल इब्बे सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।